एक अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह से झाग निकल रहा है। दुकान में पागल हो जाता है, फिर वो लगातार कांपते हुए जमीन पर गिर जाता है। बाहर के लोगों का एक समूह शीशे पर वार करता है, वे अंदर के लोगों से भीख मांग रहे हैं कि उन्हें अंदर आने दें। लगता है बाहर कुछ डरावना है। पता चला कि जहर से लदा एक बड़ा ट्रक शहर में घुसता है। वो रास्ते में ही रुक जाता है। चालक खाली हाथों से चाबी तोड़ता है। एक नकाबपोश आदमी गैस वाल्व खोलता है। एक सुरक्षा गार्ड आगे बढ़ता है, उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है। जहरीली धुंध तुरंत उगलने लगती है और तेजी से फैलने लगता है। युवा मौत से नहीं डरते, आखिरी कीमती फोटो भी लेते हैं और उनके मित्र वर्ग को भेजें। अधेड़ उम्र का आदमी जहरीली गैस में सांस लेता है, एक रेस्टोरेंट में चल जाता है, फिर वो जमीन पर गिर जाता है, अपनी आंखें पीछे घुमा लेता है। हर कोई अपने जीवन के लिए दौड़ रहा है, आपदा से बचने के लिए एक सुविधा स्टोर में प्रवेश करना चाहते हैं। दुकान में लोग मौत देखते हैं, लेकिन वे किसी को बचाना नहीं चाहते हैं। उन्हें जहर से मौत के घाट उतरते हुए देख रहे हैं। विस्तृत दृश्य से पूरा शहर जहरीली धुंध की चपेट में है। पुरुष नायक योंग नाम और उसका परिवार रात का खाना खाने के बाद ही निकल जाता है। जब वे जहरीली धुंध को आते देखते हैं, सब पागल होकर भागने लगते हैं। योंग नेम जल्दी से सभी को वापस होटल ले जाता है, लेकिन यह ध्यान रखते करते हुए कि उसकी बहन अभी भी कार में है, वो घबराकर भाग जाती है, अप्रत्याशित रूप से लड़खड़ाती है। जहरीली धुंध में योंग नाम व्यक्ति को बचाने के लिए दौड़ता है। अपनी बहन को वापस लेते समय वो विषयुक्त हो चुकी है। पूरे परिवार ने फौरन उसके लिए प्राथमिक उपचार शुरू किया। योंग नाम और वो लड़की जिसे वो चुपके से प्यार करता है, यूई जू, एक साथ स्थिति की जांच करने के लिए खिड़की के किनारे पर जाएं। पूरे शहर में जहरीली धुंध फैल चुकी है और इसके अलावा यह लगातार बढ़ रही है। यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। छत पर भागते हुए यूई जू को दो मोप्स भेते कर पैड मिलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान पर दो आधार जो उसने सीखे हैं। जल्दी से एक साधारण स्ट्रेचर बनाएं। उनमें लिफ्ट लेने की हिम्मत नहीं होती, वे केवल ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं। पूरे परिवार के लिए छत तक पहुंचना आसान नहीं, केवल बंद दरवाजा है यह खोजता है। अविश्वसनीय स्टोर मैनेजर दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो चाबी लाना भूल जाता है। नीचे की ओर जहरीली गैस तेजी से ऊपर उठ रही है, उनके लिए बहुत कम समय बचा है। वे चाबी खोजने के लिए जल्दी से नीचे जाते हैं, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिलती, केवल पहली मंजिल में, लेकिन यह पहले से ही जहरीली धुंध से ढका हुआ है। टीवी भी लोगों को याद दिला रहा है, किसी ऊंचे स्थान पर जाकर सहायता की प्रतीक्षा करें। अगर गैस मास्क है, इसका उपयोग केवल 10 मिनट के लिए किया जा सकता है। दो लोग एक ग्लास पैनल में आते हैं, वे कॉलेज में माउंटेन नाम नहीं गिरता, वो लगभग अपने लालचियों के समान साथियों द्वारा घसीटा जाता है। सौभाग्य से योंग नाम हर दिन अभ्यास करता है, वो अंत में ऊपर चढ़ने में सफल होता है। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली है। इस समय यूई जू एक बैग फेंकता है, योंग नाम इसे देखने के लिए खोलता है। यह की चेन और एंटी स्लिप पाउडर है, सभी पर्वतारोहण के साधन हैं। अपने प्रेमी और अपने परिवार की उम्मीदों के साथ विश्वासघात नहीं करते हुए वो ऊपर चढ़ना जारी रखता है। एक इमारत की छत पर चढ़ते हुए वो एक छड़ी उठाता है, जोर से चिल्लाता है डैमेशियन, और फिर कूद जाता है। वो पत्थर की दीवार पर चढ़ने लगता है। नीचे अंतहीन जहरीली धुंध है, कोई भी गलती उसे हमेशा के लिए दुनिया से दूर कर सकती है। वो पत्थर के खंभे के चारों ओर रस्सी लपेटकर शीर्ष पर चढ़ जाता है। हालांकि वो बिना किसी प्रोत्साहन के घिरा हुआ है, वो अपने जीवन का उपयोग ऊपर चढ़ने के लिए करता है, लेकिन उसकी रस्सी खत्म होने वाली है। अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो निर्णायक रूप से रस्सी को खोल देता है, आगे चढ़ना जारी रखता है। यूई जू और उनका परिवार मौत से चिंतित हैं, लेकिन वो इसे और अधिक हासिल करने के लिए जोखिम ले रहा है। अंत में वो अंतिम चरण तक पहुंचता है। वो उस वर्ष को याद करता है, यूई जू के सामने खुद को दिखाने के लिए वो लापरवाही से कूदता है, लेकिन उस समय वो असफल हो जाता है। उस समय यदि वो असफल होता है तब भी वो जीवित रह सकता है, अगर वो इस बार विफल रहता है तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। सौभाग्य से योंग नाम अभी भी सुरक्षित रूप से ऊपर चढ़ने में सक्षम है। वो दरवाजा खोलता है और लोग बाहर भाग आते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर, और यूई जू का चिंतित रूप भी, वो इसके लायक महसूस करता है। थोड़ी देर बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर आता है, वे मदद के लिए पागलपन के साथ रोते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष मूल रूप से उनकी बात नहीं सुनता। यूई जू बहुत बुद्धिमान है, सभी को फोन की फ्लैशलाइट को सिग्नल के रूप में उपयोग करने के लिए कहता है, फिर विद्युतीय संदूक पाता है, इमारत की नियॉन साइन को नियंत्रित करता है। चमकती रोशनी आखिरकार हेलीकॉप्टर को आकर्षित करती है, हर कोई बारी बारी से सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन जब यूई जू जाता है विमान पहले से ही ओवरलोड है। स्टोर मैनेजर हमेशा यूई जू के साथ मजाक करता है, अब कुछ नहीं देखने का दिखावा करता है।
जल्दी से भाग जाता है। पिता ने योंग नाम को सीढ़ी पर जल्दी करने का आग्रह किया, लेकिन यूही जू ने योंग नाम को दूर धकेल दिया। यूही जू को अपने परिवार की मदद के लिए खुद को बलिदान करते देखना। योंग नाम एक कठिन चुनाव करता है। उसे अपने परिवार की खींचे जाने की परवाह नहीं है, वो रहने का फैसला करता है जिस लड़की के साथ वो जीना और मरना पसंद करता है। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद यूही जू फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत छोटी और खूबसूरत है। सियोल से फ्रांस तक उसकी लाइन का पीछा करने वाले, उसे क्यों मरना चाहिए? बहुत समय बाद उन्हें पता चला कि हेलीकॉप्टर पहले ऊंची मंजिलों को बचाने को प्राथमिकता देंगे। वे अभी भी नहीं बैठ सकते और मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उन्हें ऊंची मंजिल पर दौड़ना होगा। योंग नाम नीचे दौड़ता है, आपातकालीन उपकरणों को लेता है। यूही जू कुछ सुरक्षात्मक साधन भी लाती है। अब उन्हें अपनी जान बचाकर भागने की पूरी कोशिश करनी है। दोनों लोगों ने सुरक्षात्मक साधन लगाए। घूमती जहरीली धुंध में पागलों की तरह दौड़ रहा है। उनके गैस मास्क 10 मिनट से अधिक समय तक पहनने के बाद काम नहीं करेगा। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर भागना ही पड़ेगा। सड़क पर हर जगह फोन बज रहे हैं। जहरीली धुंध में एक एक व्यक्ति की मौत हो रही है। परिवार के सदस्य होंगे जो पुकारते चिल्लाते रहते हैं। दोनों एक छत पर दौड़े, लेकिन यह पहले से ही जहरीली धुंध से ढका हुआ है। आगे कोई रास्ता नहीं है। समय भी समाप्त हो गया है। योंग नाम ज्यादा नहीं कहता, आखिरी गैस मास्क निकालता है, फिर यूही जू को देखता है, निर्णायक रूप से एक नया मास्क बदलता है और फिर अकेला भाग जाता है। जब खतरा निकट होता है तो वो भी अपनी जान बचाकर भाग जाता है। बेशक पुरुषों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो अपनी मदद खुद कर सकती है। वो पर्वतारोहण में भी माहिर हैं, बहुत जल्दी ऊंची छत पर चढ़ सकती हैं। फिर योंग नाम को गधे होने के लिए जोर से डांटती है। योंग नाम, कुत्ते, मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, उसने बस कुछ शब्दों में डांटा। जब योंग नाम सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, यह पता चला है कि वो सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालता है। एक नया गैस मास्क खोजने के लिए नीचे जाता है। यूही जू गहराई में चली गई, उस आदमी द्वारा जो अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करता और उसके साथ रहने के लिए। दोनों जहरीली धुंध से भागते रहते हैं और जिम में पहुंचते हैं। केवल एक अंतिम फिल्टर बचा है। वे फिर से नीचे नहीं जा सकते, उन्हें यह भवन छोड़ देना होगा। उन्हें विपरीत दिशा में चढ़ना होगा। दोनों एक रास्ता सोचते हैं, रस्सी को डंबल से बांध और उसे ऊपर फेंक दें। केबल लाइन बनाने के लिए पतले शरीर के साथ यूही जू सफलतापूर्वक चढ़ जाती है। योंग नाम जल्दी से पीछे जाता है, लेकिन जब वो बीच में चढ़ता है तो जहरीली धुंध छा जाती है और यहाँ तक यूही जू तक भी बह आती है। योंग नाम वापस जाने का फैसला करता है और यूही जू को भागने के लिए कहता है। वहाँ जहरीली धुंध तेजी से फैलती है। उसके मन में यूही जू भागना चाहता है, लेकिन उसका शरीर विरोध करता है। वो चाबी के गुच्छे को देखती है। क्या उसे इसे उतार देना चाहिए या उसे रखना चाहिए? इस बार चुनाव करने की बारी उसकी है। जीवन और मृत्यु के बीच चयन के क्षण में अचानक जहरीली धुंध में एक गुस्से वाली दहाड़ आती है। सबसे भारी डंबल को फेंक दिया जाता है। योंग नाम सुरक्षात्मक गियर पहने ऊपर चढ़ गया। हताश अवस्था में लोगों में जबरदस्त ऊर्जा का संचार होता है। दोनों एक ऊंची मंजिल पर दौड़ते हैं। उन्होंने साइन और स्टैंड एक साथ रखे, दिखावे के लिए कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हेलीकॉप्टरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे पाते हैं कि विपरीत इमारत में कोई मदद के लिए पुकार रहा है। इसके अलावा वे सभी बच्चे हैं। बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर आ जाता है, लेकिन इमारत की छत पर एक आइकन पाते हैं। यह पता चला है कि योंग नाम और यूही जू ने संकेत नीचे बनाए हैं तीर का निशान बनाने के लिए। वे बच्चों के लिए जीवित रहने की आशा छोड़ते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ जाता है, बच्चे बच जाते हैं। लेकिन इसी क्षण पास के एक गैस स्टेशन में विस्फोट हो गया। विस्फोट एक बड़ी लहर पैदा करता है, जिससे जहरीली धुंध तेजी से बढ़ रही है। वे केवल जहरीली धुंध से दूर भागते रह सकते हैं। दो लोग पागलपन से पूरे रास्ते भागते हैं। जहरीली धुंध भी लगातार सिकुड़ रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत से छत पर दौड़ते हैं। उनका निशाना यह बड़ी इमारत है। ड्रोन उनकी कहानियों की सूचना करते हैं। छोटे बचाव दल, बड़े इंटरनेट कैफे, सीधा प्रसारण मंच, पूरा ऑनलाइन समुदाय देख रहा है और उसका अनुसरण कर रहा है। उनकी निस्वार्थ त्याग भावना लोगों को भावुक कर देती है। दोनों हजारों कष्टों से गुजरते हैं, अंत में इमारत की छत पर पहुँचे, लेकिन उनकी आँखों के सामने एक धुंध है जो पूरे आसमान को काटती है। मूल रूप से अगम्य थी। सभी सड़कें जहरीली धुंध से ढकी हुई हैं। महत्वपूर्ण क्षण में दो DJI ड्रोन उड़े, तब अधिक से अधिक DJI ड्रोन दिखाई देते हैं। सेफ जोन में हर कोई मदद के लिए हाथ, कितना बेवकूफ सीधा आदमी है जो अकेला रहने का हकदार है। सौभाग्य से वो अंततः इसका पता लगा लेता है। उसी समय बारिश होती है। जहरीली धुंध धीरे धीरे दूर हो जाती है। इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल जहरीली गैस नहीं होती, आपदा नहीं, लेकिन वो खुद आदमी है। कौन जाता है
कौन रहता है, यह बुनियादी मानवीय मूल्यों से जुड़ा है। पिछले युग में इस तरह के महत्वपूर्ण मूल्य मानव समाज को आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस आपदा की स्थिति में यह एक जाल है। अंत में मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, अपने शरीर से भरपूर व्यायाम करें। जब आपदा आपके सामने होगी तो आप में अपनी रक्षा करने की क्षमता होगी।